दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। आज के इस वीडियो में बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 के लिए बिहार के विभिन्न जिलों से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज है 20 अक्टूबर और आज के डेट में जो है क्या अपडेट निकल कर आ रहा है इसी के रिगार्डिंग हम आपको अपडेट प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ में किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग डाउट है तो पिछला वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। सभी टॉपिक से रिगार्डिंग जो है मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसके रिगार्डिंग जो है एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको जिसमें 45 के आसपास वीडियो है जो कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन से रिगार्डिंग ही है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ में जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा इंड स्क्रीन पर भी वो प्लेलिस्ट आ जाता है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, सबसे पहला जो अपडेट निकल कर आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आ रहा है। यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ पे सभी जानकारी आपको बताते हैं क्या ये अपडेट है। देखिए इसे मैंने जूम कर दिया और यहाँ पे देखिए नौकरी के लिए हरियाणा से भी पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी, यहाँ पे ऐसा कुछ हेडलाइंस है। और दूसरा यहाँ पे दो हाइलाइट्स भी दिया गया है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बहाली के लिए कर रहे हैं आवेदन और यह सीटेट पास अभ्यर्थी पहुंच रहे विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों में। आगे बात करें डिटेल में तो लिखा गया है बिहार में नौकरी के सपने लेकर यूपी झारखंड ही नहीं हरियाणा समेत विभिन्न राज्यों के अभ्यर्थी आ रहे हैं। और ये आप सभी को बतला दूं कि बिहार के कैंडिडेट के लिए बुरी खबर है, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। जब तक सरकार जो है डोमिसाइल नीति नहीं लागू करती है तब तक ये जो है कुछ नहीं किया जा सकता है। और जो अपडेट है हम तो प्रोवाइड कराते रहेंगे और यहाँ पे जो रियल में जानकारी है वही हम यहाँ से बताते हैं। ठीक है, तो ना ही हम किसी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के विपक्ष में हैं और ना ही हम किसी के जो है पक्ष में बोल रहे हैं, तो हम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिहार सरकार अभी जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया है। अगर लागू कर देती है तो ये बिहार के कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं जनरल के सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। और आगे देखिए बताया गया यहाँ पे कि इसमें बड़ी संख्या में सूबे से बाहर के अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन लेकर आ रहे हैं। सीटेट पास ये अभ्यर्थी विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में हाथों हाथ आवेदन देने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी डाक से भी आवेदन भेज रहे हैं। कांटी मुसहरी समेत कई प्रखंडों में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी समूह में आवेदन देने पहुंच रहे हैं। कांटी में आवेदन देने पहुंचे झारखंड से आए सुनील कुमार, रोशन, अभिजीत समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि हमने भाड़े पर एक गाड़ी ली है, कई प्रखंडों और पंचायतों में आवेदन दे दिया है। जो यहाँ पे चीजें लिखा गया है इसे आप देखकर समझ सकते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं दो चार कैंडिडेट्स मिलकर अन्य राज्यों से जो है आते हैं भाड़े पर गाड़ी लेकर, यहाँ पे रिजर्व गाड़ी कर और आते हैं अन्य प्रखंडों और पंचायतों में आवेदन दे रहे हैं। इसी से जो है जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा मुश्किलों की सामना करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं वो अगर धावा बोले तो अगर उनका जो मार्क्स ज़्यादा हो, अगर वो कट ऑफ में हर जगह निकाल लेते हैं तो उनको जो है दिक्कत हो सकता है। देखिए यहाँ पे आगे बताया गया है कि सीटेट के साथ CBSE अभ्यर्थी भी हैं शामिल। DPO स्थापना अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि शिक्षक बहाली में TET/STT के साथ ही सीटेट अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। सीटेट की परीक्षा केंद्रीय स्तर पर होती है, ऐसे में अन्य राज्यों के सीटेट पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें बड़ी संख्या में CBSE से पास अभ्यर्थी भी है, तो यहाँ पे सीटेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सीटेट में जो क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट हैं CBSE से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स शामिल हैं। आगे बताया गया DPO ने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार भारत के किसी भी राज्य के निवासी इस बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न पंचायतों में अब तक आवेदन लेने की व्यवस्था नहीं शुरू करने वाले नियोजन इकाइयों को चिन्हित किया गया है। तो मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे अभी डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ है, जो विभाग के निर्देश है जो उसका डायरेक्शन है उसके अनुसार अगर बात करें तो भारत के किसी भी राज्य के निवासी द्वारा जो है इस बहाली में आवेदन किया जा सकता है। आगे लिखा गया है DPO ने बताया कि कई प्रखंडों से भी ऐसी शिकायत मिल रही है कि सभी का एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, यह गलत है। इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है कि TET/STT या CTET का ही प्रमाण पत्र के साथ एडमिट कार्ड लेना भी है। और यहाँ पे आप सभी को बता दें कुछ यहाँ पे प्रिंट एरर है, टाइप करने में कुछ गलती हुआ है, यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड नहीं ली जाने की बात किया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि शिकायत मिल रही है कि एडमिट कार्ड मांगा जा रहा है, क्योंकि ये शिकायत का जिक्र हुआ है तब तो यहाँ पे एडमिट कार्ड नहीं लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जिन नियोजन इकाइयों में एडमिट कार्ड लिया जा रहा है वो गलत यहाँ पे बताया गया है, तो उस हिसाब से एडमिट कार्ड यहाँ पे नेसेसरी नहीं है देना, लेकिन कुछ नियोजन इकाइयों द्वारा मांग किया जा रहा है तो आपको देना पड़ सकता है क्योंकि वो लोग आवेदन बिना एडमिट कार्ड के नहीं लेंगे। तो ये सभी डायरेक्शन है और डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, पिछला वीडियो देखिएगा तो सभी जानकारी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और जो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है ये अररिया डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया नियोजन अब तक फाइनल रोस्टर का प्रकाशन नहीं,
तो अररिया डिस्ट्रिक्ट से रिगार्डिंग 6 से 8 तक का रोस्टर जारी किया गया था, उस पर मैं स्पेशल वीडियो आप सभी को बनाकर बता चुका हूँ क्या उसमें प्रॉब्लम है और रोस्टर के जारी होने के बाद भी क्या कठिनाई होगी कैंडिडेट्स को, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को बेशक जाकर देख सकते हैं और साथ में चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे दो हाइलाइट्स दिए गए हैं कि कक्षा 6 से 8 तक के संभावित रोस्टर NIC पर अपलोड कर दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, और दूसरा हाइलाइट है कि कक्षा 1 से 5 तक के रोस्टर की प्रक्रिया जारी, यानी 1 से 5 तक के रोस्टर जो है अभी बनने की प्रक्रिया में अभी जो है अपलोड नहीं हुआ है, ना ही उसे जो है फाइनल रूप दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है विभागीय निर्देश के 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का फाइनल रोस्टर का प्रकाशन नहीं हुआ है, हालांकि कक्षा 6 से 8 तक के संभावित रोस्टर 1 दिन पहले अररिया वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, परंतु कक्षा 1 से 5 तक का रोस्टर निर्माण की प्रक्रिया शनिवार को 5 बजे तक जिला शिक्षा कार्यालय में चल रहा था, विभागीय कर्मी रोस्टर तैयार करने में जुटे हुए हैं। और यहाँ पे कल जो अपडेट दिया था उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जल्द ही 1 से 5 तक का भी रोस्टर प्रकाशित कर दिया जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कल यानी शनिवार को देर शाम तक भी रोस्टर को जो है बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो जोर शोर से लगे हुए हैं कि जल्द ही रोस्टर के प्रकाशन को, जो रोस्टर का प्रकाशन है उसको कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे डेडलाइन भी समाप्त हो गया है, 10 अक्टूबर ही लास्ट डेट था। आगे लिखा गया रोस्टर को लेकर विभागीय अधिकारी व कर्मी कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे हैं, यानी बताने से इनकार कर रहे हैं, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि बहुत जल्द फाइनल रोस्टर का प्रकाशन कर सभी नियोजन इकाइयों को भेज दिया जाएगा। यहाँ पे रियल टाइम नहीं बताया गया है, फिक्स कोई टाइम नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनको शक है कि हो सकता है उस डेडलाइन के अंदर उनका रोस्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे और ज़्यादा सवाल जो है मीडिया की तरफ से और जो अभ्यर्थी है उनकी तरफ से आएगा और उन पर और ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि जल्द जो है रोस्टर को फाइनल रूप दे दिया जाएगा, रोस्टर का प्रकाशन कर दिया जाएगा। आगे लिखा गया है उल्लेखनीय है कि 9 अक्टूबर तक जिला स्तर पर रोस्टर का अनुमोदन कराकर सभी नियोजन इकाई को रोस्टर भेजना था, संशोधित तिथि के अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों के रिक्त शिक्षक पद पर 11 नवंबर तक आवेदन जमा कर लिए जाएंगे, 20 नवंबर तक मेधा सूची बनेगी और 26 नवंबर तक नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन अनुमोदन कर दिया जाएगा और 29 नवंबर तक मेधा सूची का प्रकाशन किया जाना है, यानी मेधा सूची जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है 29 नवंबर लास्ट डेट है जारी करने का, लेकिन इस टाइम तक जारी नहीं होता है। यहाँ पे आप सभी को बता दें कुछ जिलों द्वारा यहाँ पे कंप्लीट करके 29 नवंबर तक जारी कर भी दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जिला जो है इस डेडलाइन पर कंप्लीट नहीं कर पाती है, ये सही बात है, आप इसे देखिएगा और जैसे जैसे जो अपडेट आता है मैं आप सभी को बताता रहूँगा, तो आपको पता भी चल जाएगा, चूँकि जो डेडलाइन दिया जाता है वो यहाँ पे सभी नियोजन इकाइयाँ और सभी जो जिला है उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो ये सभी अपडेट है और यहाँ पे दिए गए 230 नियोजन इकाइयों का बनेगा रोस्टर, इसके रिगार्डिंग मैं कल अपडेट दे चुका हूँ, जो न्यूज़पेपर में अपडेट था, तो इसे मैं यहीं पर बंद करता हूँ और बढ़ते हैं नेक्स्ट जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग। देखिए ये जो अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइन से कि व्यवस्था नदारद और आवेदन देने को भटक रहे हैं अभ्यर्थी, ये जो अपडेट है मुजफ्फरपुर जिला का ही है, लेकिन बिथान एक जगह है वहाँ का अपडेट है, जो मुजफ्फरपुर का कैंडिडेट होंगे उनको इसके बारे में पता होगा, बिथान शायद एक प्रखंड है, ज़्यादा डिटेल इस जगह के बारे में नहीं पता है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी अपडेट है मैं आपको जल्दीबाजी में बता दे रहा हूँ। दो हाईलाइट्स है कि अभ्यर्थियों ने प्रखंड प्रमुख को अवगत कराया अपनी समस्या से, प्रमुख ने BDO से मुख्यालय में आवेदन लेने की किया आग्रह। ठीक है, लिखा गया है प्रखंड ने 2019 से 20 के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी है, विभाग द्वारा शेड्यूल के अनुसार बीते 18 सितंबर से 9 नवंबर तक आवेदन जमा करने की तिथि है, तो आप बेशक 9 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। और लिखा गया इसके तहत प्रखंड के मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन के लिए प्रखंड कार्यालय में 26 सितंबर से आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन पंचायतों में शिक्षक नियोजन इकाई ने 22 दिन बीत जाने के बाद भी आवेदन लेने के लिए न काउंटर की व्यवस्था की है और न ही रिक्तियाँ प्रकाशित की है। तो यहाँ पे पंचायतों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो पंचायत सचिव होते हैं या फिर जो भी नियोजन इकाइयों के जो वहाँ पे अध्यक्ष हैं वो लोग, उनको कोई डायरेक्शन ही ब्लॉक्स के द्वारा नहीं मिला है कि उनको आवेदन लेना है या फिर नहीं लेना है। बहुत सारे जो मुखिया हैं वो भी यहाँ पे शिकायत कर रहे थे कि उनको जो है डायरेक्शन नहीं मिला है ब्लॉक द्वारा, क्या जो ग्राउंड लेवल का सच्चाई है वो तो उन्हें लोग जानेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है पंचायत लेवल के नियोजन इकाइयों में आवेदन देने में अभ्यर्थियों को हो रहा है, जहाँ तक मुझे पता है और जो सभी अपडेट आ रहा है उस हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आगे लिखा गया है जहाँ आवेदन लिए भी जा रहे हैं वहाँ रिसीविंग नहीं दिए जा रहे हैं, इससे अभ्यर्थियों में निराशा का माहौल है, अभ्यर्थियों ने प्रखंड प्रमुख विभा देवी से इसकी शिकायत की है। वहीं प्रमुख को बताया कि फॉर्म जमा तो कर दिए गए हैं लेकिन रिसीविंग नहीं दिया जाता है, जिसका कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। बता दें कि विभिन्न पंचायतों में अवस्थित प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षकों का नियोजन संबंधित पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा किया जाना है,
तो ये सभी अपडेट है यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे आवेदन लिया जा रहा है वहाँ से रिसीविंग कैंडिडेट्स को नहीं मिलता है, और रिसीविंग ही यहाँ पे एकमात्र सबूत है कि आपने इस नियोजन इकाई में आवेदन दिया है। अगर आपको रिसीविंग नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक कैंडिडेट्स ने कल मुझसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे मुखिया या फिर अन्य जो यहाँ पे पंचायत के कर्मी हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे धांधली का जो है हमें उम्मीद है या फिर धांधली किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। लेकिन इस पर मैं स्पेशल वीडियो हो सकता है तो बनाऊंगा थोड़ा सा एनालिसिस करके, लेकिन ऐसा होता है और हो भी सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है आग्रह भी कर रहे थे, कल ही एक कैंडिडेट्स का इस पर जो है सवाल आया था, इस पर जो है कमेंट आया था इस टॉपिक पे। ठीक है, आगे लिखा गया, विभागीय रोस्टर व रिक्ति के आधार पर अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त करने से लेकर मेधा सूची तैयार करने तथा मेधा सूची के अनुसार शिक्षकों के नियोजन तक की सारी जिम्मेदारी उक्त नियोजन इकाइयों की है। इस संबंध में प्रमुख विभा देवी ने वीडियो को अभ्यर्थियों की शिकायत से अवगत कराने के साथ प्रखंड मुख्यालय में आवेदन लेने के लिए व्यवस्था करने का आग्रह किया है। उन्होंने वीडियो को बताया कि प्रखंड के कुछ पंचायतों में बाढ़ का पानी है जिससे वहां जाने में अभ्यर्थियों को कठिनाई होती है। इधर वीडियो आफ्ताब आलम ने बताया कि आवेदन नहीं लेने और रिसीविंग नहीं देने की शिकायत नहीं मिली है। सभी पंचायतों में आवेदन लिया जा रहा है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत सामने आने पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ के जो वीडियो है उनका कुछ अलग बयान है और यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो कुछ अलग कर रहे हैं। तो वीडियो जो है आपने फेवर करेंगे तो ये सभी अपडेट निकल कर यहाँ पे आ रहा है सामने। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको जो है उम्मीद करते हैं कि जो तीनों मैंने अपडेट बताया ये सभी अपडेट जो है आज के डेट का यानी 20 अक्टूबर का था, और इससे आप सभी को पता चल गया होगा कि अभी बिहार के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभी क्या अभी हाल चल रहा है, क्या प्रक्रिया अभी चल रही है और कहाँ तक ये जो है बहाली का काम है वो सफल हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ये आप सभी को पता चल गया होगा। और आप सब तो ये जानते हैं कि बिहार में जो भी बहाली होती है शिक्षक का उसमें डेडलाइन पे कंप्लीट करना किसी काम को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जिला का ही नहीं बात है, प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड के और प्रत्येक पंचायत की यहाँ पे बात होती है, सभी अलग अलग लेवल के नियोजन इकाइयाँ हैं, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा जो है सक्सेस नहीं हो पाता है ये जो प्रक्रिया है। इसलिए जो है कैंडिडेट्स ये भी डिमांड करते हैं कि ये जो बहाली है उसको ऑनलाइन माध्यम से कराया जाए और सभी नियोजन इकाइयों को जो है एक ही जगह पर आवेदन लिया जाए जिससे ये सभी क्रिया जो है आसान हो जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।